कि जिन लोगों ने मुझे डिस्करेज किया आई वुड से डिस्करेज किया नहीं क्यों कर रहा है बेकार काम है अच्छा खासा जॉब चल रहा था सबसे पहले तो उन लोगों को ये बताना और कहना है कि यार जो मैं कर रहा हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है ना वो मैं बहुत अच्छा करूँगा टू थाउजेंड थर्टीन में मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ काफ़ी मेजर रोड एक्सीडेंट था मेरा स्पाइन फ्रैक्चर हुआ एल थ्री एल फोर मेरा फाइव लिप्स फ्रैक्चर हुआ मैं जिस काम को पहले करता था मेरी नज़र हमेशा घड़ी पे रहती थी कि कब खत्म करूँगा कब जाऊँगा लेकिन Wellness is the complete integration of body, mind, and spirit. The realization that everything we do, think, feel, and believe has an effect on our state of well being. They say imagination is its own form of courage. We can achieve anything which we imagine. Today, in this episode of Between Us podcast, I have a very, very special guest. A person's journey of healing, rehabilitation, growth, and inspiring many, many young youths of this country. Hello and welcome to another episode of Between Us Make Every Conversation Count. In conversation with Mr. Zohaib Rana welcome to the show Zuheb. it's an absolute pleasure to have you thank you so much Santosh. thank you for inviting me um, on your show and giving me the opportunity to, to share my story with, with you guys thank you uh, the pleasure is all mine as i said Zoheb, so i would like to start from the very beginning yeah. upne you your career if i understand bpo industry yeah and uh, bpo may the thing is that there is no time नाइट शिफ्ट होती थी राइट एंड यू नेवर रियली केयर फॉर योर हेल्थ कुछ भी खा लेते थे hmm. सुबह आके सो जाते थे राइट फ्रॉम दैट टू टुडे बींग वेरी माइंडफुल ऑफ योर डाइट योर हेल्थ योर फिटनेस मुझे वो कहानी सबको बतानी है सो so, शुरू से शुरुआत करते हैं आप अपनी इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम योर चाइल्ड हुड तो शुरू से शुरुआत करने की बात करी है संतोष आपने तो ऑब्वियसली शुरू से ही शुरुआत करेंगे हम जी तो शुरुआत होती है लाइक व्हेन आई कंप्लीटेड माय लाइक ट्वेल्थ तो दिमाग में था कि यार कुछ करना है क्या करना है समझ में नहीं आता था ठीक है तो बड़ा क्रेज़ था उस टाइम पे कि आप जॉब कर लो तो बीपीओ में कॉल सेंटर्स का बड़ा uh, क्रेज चलता था उस वक्त आई एम टॉकिंग अबाउट टू थाउजेंड वन टू की कर रहा हूँ आपसे तो आई दैन आई ज्वाइन द कॉल सेंटर इन नाइट शिफ्ट तो वॉइस मेरा प्रोसेस uh, होता था थ्रू आउट द नाइट आई मुझे पूरा कॉल्स लेना है बात करना है लाइफ ऐसा हो गया था कि लाइक like, अगर मेरा ऑफ होता है तो मैं जाग रहा हूँ क्योंकि रूटीन ऐसा हो गया है <laughs> <laughs> दुनिया सो रही है और मैं जाग रहा हूँ तो ऑलमोस्ट वन एन हाफ ईयर मैंने काम किया लेकिन उससे मैंने कुछ अर्न या अचीव नहीं किया आई वॉज नॉट इंजॉइंग कि एक होता है ना खुशी से कोई आप का, 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 काम करते <laughs> हो थ्रू आउट द नाइट मैं सिर्फ अपनी घड़ी देखते रहता था कि कब लॉग आउट होएगा कब मैं जाऊँगा तो उस दौरान क्या हुआ आई गेन वेट वेट मतलब एक्सट्रीम गेन आई वॉज लाइक वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी एट के जीज तो आपसे भी आप जैसे दोस्तों ने बोलना शुरू कर दिया वट यू डूइंग विद योर सेल्फ क्यों ध्यान नहीं दे रहा खराब कर रहा है यू हैव वेरी गुड हाइट एंड ऑल दैट मैंने कहा यार करना तो चाहिए एक एक्सटेंट्रिक जो मोटिवेशन हो गया ना वो शुरू हो गया मुझे आना बट देर वॉज नो गाइडेंस मतलब दे वॉज नो बडी जो मुझे बताया कि यार तुम्हें ऐसे करना चाहिए कुछ मतलब इतना अवेयरनेस ही नहीं था वेट लॉस को फिटनेस को लेके या तो लोग बाहर पार्क में लोग दौड़ दो, लगाते थे <laughs> <laughs> या कुछ खाना छोड़ देते थे नो ऑल दैट नहीं बेसिकली वो कॉन्सेप्ट नहीं था कॉन्सेप्ट था एक्सैक्टली कॉन्सेप्ट नहीं था अवेयरनेस exactly, हाँ। नहीं, हाँ। नहीं थी लोगों में बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस ना होने के बहुत सारे रीज़न थे वो हम आपको बताऊं मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली आई लाइक मैंने ऑब्जर्व भी किए हैं वो सब चीज़ें और एक्सपीरियंस किया है उन सब चीज़ों क्यों नहीं थी आई जॉइन आई मैंने शुरुआत सात महीने में आई लॉस्ट ऑलमोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी मैंने इवेंचुअली वेट तो लूज कर लिया मुझे मेरा फोकस क्या था कि मुझे वेट लूज़ करना है वो वेट लूज करने के लिए मुझे किस किस पढ़ाव से गुजरना पड़ेगा इंटरनल मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स आएंगी आई वॉज नॉट अवेयर क्योंकि कोई था ही नहीं बताने so ये जो वेट लॉस का प्रोसेस था उसमें जिम में जाना जिम जाना और कम खाना खाना कम खाना खाना <laughs> और और क्या क्या प्रोसेस था वेट लॉस ये में? मैं कहूँगा कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से जाना है सिटिंग गुड़गांव और मुझे डेली जाना है मुझे मालूम है मेरा डिस्टेंस 50 किलोमीटर का है और मैंने अपनी गाड़ी में फ्यूल 30 किलोमीटर का डलवाया है ठीक है तो फ्यूल इज इन देंस कि आप जो खा रहे हो जो इनटेक कर रहे हो आप डेफिसिट पे जा रहे हो वो डेफिसिट और ये फॉर्मूला मुझे नहीं पता था क्योंकि आई वॉज नॉट अवेयर मुझे ना मैं अवेयरनेस तो एक चीज हो गई है और मुझे उस बारे में नॉलेज भी नहीं था हुँ. तो जैसे जैसे तो जिम में कोई इंस्ट्रक्टर्स थे बट दे नॉट सर्टिफाइड वो हाँ. वो चीज मुझे बताते थे जो वो खुद करते थे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ मेरा बॉडी टाइप डिफरेंट है आपका डिफरेंट है चार लोगों का डिफरेंट होगा डिफरेंट लाइफ है

मैंने जब मैंने ये अचीव किया तो इंटरनल मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फील होने लगी मेरे जॉइंट्स वीक हो गए ठीक है डिजीनेस रहती थी जो मेरे रेगुलर मेरे जो काम होते थे मैं वो नहीं कर पाता था हम बट पता मुझे फिर भी नहीं चला इसका रीजन क्या है तो वो एक ही सिंगल माइंडेड गोल था कि आई एम ओवरवेट और मुझे दुबला होना है मुझे पतला होना है हाँ, हाँ, बस दैट्स इट दैट्स इट तो वो टाइम था तो

फॉलो करने लग में किसको फॉलो कर रहा था मैं फिर से वही बात कहूँगा जिन जिन्होंने खुद कुछ नहीं उस चीज के बारे में पढ़ा ना बताया ना कुछ करा जब धीरे धीरे इंटरेस्ट इंटरेस्ट मुझे आया कि मेरा मुझे मन लगने लग गया सब चीज़ करके ना मैं अपना बहुत सारा टाइम जैसे मेरा नाइट शिफ्ट होता था मैं अपना ड्रॉप अपने जिम के बाहर लेता था कैब से अगर अच्छा। मेरा हाँ मेरा फर्स्ट ड्रॉप सेकंड थर्ड ड्रॉप होता था मेरा लेकिन मैं पहले कैब ड्राइवर को बोलता था कि भैया मुझे आप जिम के बाहर ड्रॉप करो लास्ट ड्रॉप मुझे दो सो देट क्योंकि जिम खुलता था सुबह पाँच साढ़े पाँच बजे

धीरे तो धीरे इंटरेस्ट आने लग गया तो ते, ते, तेरा मन है इस कुछ में करने के not, क्यों नहीं करता तो? तो मुझे ये भी नहीं पता था, with, कैसे करना है, है मतलब के, के इसमें स्कोप है आगे अब स्कोप है आगे एक लाइन होती है लग वो है कैसे वो किसी को नहीं पता है ठीक है तो कुछ दिन मैंने सोचा भी इस बारे में सडनली क्लिक हुआ है कि यार करते हैं एंड आई डिड नॉट डिथ एनी बडी मेरे दोस्तों से मेरी फैमिली में मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया एंड मैंने डिसीजन ले लिया डिसीजन hmm. ले लिया एंड लेफ्ट माई जॉब सडनली और मैंने एक लोकल से जिम से स्टार्ट किया जिस जिम में वर्कआउट में करता था उसके पास में ही एक जिम था लोकल सा जिम स्टार्ट किया तो आई लाइक मुझे uh, मुझे काम करना है यहाँ पे एज 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 ट्रेनर ट्रेनर राइट एज अ ट्रेनर एज अ हेल्पर ट्रेनर को रिकोगनाइज भी नहीं करते थे उस टाइम में कि हाँ भी डम्बल पकड़ा दे आके कुछ कर दे ऐसा कुछ था तो कुछ दिन मैंने किया ऑलमोस्ट वन एंड हाफ मंथ डेढ़ महीना के आसपास मैंने किया मैंने गया मैं कर फिर मुझे दिमाग में लगा कि मैंने गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया यार ये जल्दबाजी में मेरी अच्छी रेपूटेटेड जॉब थी टाइम से आता था टाइम से जाता था ठीक ठाक पैसे मिलते थे ये गलत तो नहीं हो गया

मैंने एक बेसिक सर्टिफिकेशन किया फिटनेस का जिसमें अनाडमी फिजोलॉजी थोड़ा बड़ा आपका थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन के बारे में मैंने पढ़ा और जब पढ़ा तो मैंने कहा यार ये तो मैं बड़ा गलत करता था जो भी मैंने किया जो भी मैंने अचीव तो मैंने गोल किया लेकिन किस तरीके मैंने कहा ना पढ़ाव कितने पार किया मैंने कहा right. right. मैंने उस चीज के लिए करे तो तब तो मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने कहा हाँ यार इफ़ यू आर डूइंग सम थिंग अगर आप कुछ कर रहे हो और शिद्दत से कर रहे हो तो उसको करना चाहिए तरीके से अदरवाइज अगर द इज़ नो गाइडेंस ना आपको हुँ. नहीं सोचना चाहिए तो वो जो आपने आपने कहा ना कि आपने कोर्सेज की वॉट आर द थिंग्स विच यू अंडरस्टैंड मतलब आपको क्या रियलाइज़ हुआ कि क्या क्या चीज़ें मतलब आपने का नाटमी आई कैन अंडरस्टैंड बट इफ़ यू कैन एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल टर्म्स की कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने सीखी जिसको आपको देख के पढ़ के लगा कि यार यू नो वॉट मैं गलत कर रहा हूँ हाँ वो क्या था तो उसी पे मैं आ रहा हूँ बेसिकली के जो पढ़ के जो मैंने कंप्लीट फिजियोलॉजी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी मैंने पढ़ी न्यूट्रिशन पढ़ा है बायोमैकेनिक्स पढ़ी बायोमैकेनिक्स का मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी हिसाब से भगवान ने डिजाइन किया है ठीक है हम उसके अगेंस्ट कुछ भी चीज करेंगे तो उसके नुकसान होने ही होने हैं बिल्कुल। वो छह महीने तो डिले, डिले बाद होंगे, उसको अवॉइड नहीं कर रहे हो तो यही सब चीजें आप सर्टिफिकेशन से एजुकेशन से कोर्सेज से सीखते हो और वही चीज आप आगे अप्लाई करते हो लोगों को अवेयर करते हो ये सारे मतलब आज तो खैर यू एस सर्टिफाइड ये सर्टिफाइड सब आता रहता है एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू डोंट अप्लाई इट इन योर डे टू डे लाइफ ये सारे कोर्स व्यर्थ हैं आपको मतलब इट्स ऑफ नो यूज़ अगर आप उस पर अमल नहीं करोगे तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं है कोई फायदा नहीं है राइट right? तो वाट मेड यू आपने फिर डिसाइड किया क्या, क्या कि मुझे क्या क्या चेंजेस अपने अंदर लाने हैं तो मैंने डिसाइड सबसे पहले जैसे आपने कहा मैंने शुरुआत खुद से करनी चाहिए बिल्कुल ठीक है कि जो चीज़ें जो गलतियाँ मैंने अपने पास्ट में की हैं ठीक है पहले भी मैं अभी मैं वो ठीक करूँगा वो ठीक करने के बाद में अगर मैंने ठान ही लिया है कि प्रोफेशनली मुझे इस फील्ड में जाना है हुँ. और इस फील्ड में जाना है तो मेरा कुछ विजन है आप आने का अब मुझे वो अचीव करना है वो माइल सेट करने हैं और उसको फिर अचीव करना है आपका फर्स्ट विजन क्या था फर्स्ट विजन संतोष मेरा यही था बेसिकली कि इफ़ आई एम लाइक अगर मैं कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ अगर मैं कोई एग्जिस्टिंग अपना काम छोड़ रहा हूँ और कुछ नया करने जा रहा हूँ तो मुझे सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि जिन लोगों ने मुझे डिस्करेज किया आई वुड से डिसक्रेज किया नहीं क्यों कर रहा है बेकार काम है अच्छा खासा जॉब चल रहा था सबसे पहले तो उन लोगों को ये बताना और कहना है कि यार जो मैं कर रहा हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है ना वो मैं बहुत अच्छा करूँगा hmm. अगर मैं इसको अपना पैशन एज अ पैशन एक्सेप्ट uh, कर रहा हूँ तो पैशन को मैं इतनी शिद्दत से करूँगा कि मैं प्रूव कर सकूँ कि यार मैंने राइट जगह पे काम कर स्ट्रगल बहुत था टफ बहुत था मेरे लिए बट मैंने कभी किसी से अपना टफ़ टाइम या अपने ये सब चीज़ें शेयर क्यों नहीं करी क्योंकि लोग बोलेंगे हमने तो कहा था यार ये नहीं हो पाएगा तेरे से बट कैन यू शेयर सम ऑफ़ दोज टफ टाइम्स कि क्या मतलब फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन में और सबसे ज़्यादा मेंटली फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने ऑनस्टली अचीव कर ही लिया था नो मैटर हाउ कैसे क्या किस गाइडेंस से कि वो तो मैंने अचीव कर लिया था अब मेरा बात आता था, था कि मैं करियर में क्या सोच रहा हूँ ठीक है मैंने तो वो चीज़ तो सुन अब चो, छोड़ के कुछ और पकड़ लिया है जिसको कोई रिकगनाइज़ ही नहीं करता कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता आप ऐसी फील्ड में जाना चाह रहे हो जहाँ पे कोई आपको किसी तरीके का कोई अप्रिसिएशन नहीं है इफ़ आई एम सिटिंग विद यू और आप मेरे से पूछते हो कि जुएब आप करते क्या हो मैं बोलता मैं फिटनेस ट्रेनर कह रहे नहीं आप काम क्या करते हो है पेंट आप काम ये तो आपका एक मस्ती हो गया यार मजाक मतलब वर्कआउट कर रहे हो डंबल उठा रहे हो तो पहलवान हो मतलब आप लड़ाई झगड़े वाले लोग हो गए बट आई थिंक वो परसेप्शन अभी काफी चेंज हो रहा है एक्चुअली बहुत चेंज हो गया है ना पीपल कॉल फिटनेस एक्सपर्ट क्या है फिटनेस प्रोफेशनल मतलब कहते हैं पहलवान है मतलब जो जिम जा रहा है या जो वर्कआउट कर रहा है या कुछ कर रहा है कि अच्छा है तो लड़ाई झगड़े वाला बंदा है इनसे दूर रहो ऐसा सा प्रसप्शन था अभी चीज़ें बहुत मॉडिफाई हो गई हैं अपग्रेड हो गई हैं लोग अवेयर हो गए हैं है, है, तो उसकी भी वजह रही है जब लोगों ने एक्चुअली उस चीज़ को फील किया ना और उस चीज़ को पहचाना कि यार दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ ये तो करना ही पड़ेगा ठीक है जैसे हम खाना खा रहे हैं जैसे हम सो रहे हैं जैसे हम अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं मूवीज़ जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं अपने प्लिन अपने अपने जो ट्रिप हमने प्लान कर रखे हैं तो दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ करेक्ट फिटनेस इज नॉट अचीवमेंट आई वुड से दिस इज अ प्रोसेस जो आपकी ज़िंदगी के साथ शुरू होता है

तो हमें बस वो उस वक्त चाहिए शादी आ रही तो हाँ। है तो अराउंड दैट टाइम मुझे फिट होना तो वो और ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं बाद में आऊँगा लेकिन आपने स्टार्ट किया एक जिम में एज ए ट्रेनर एंड इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी इन द सेंस दैट आपने वेट लॉस का एक प्रोसेस शुरू किया था बिकॉज आपको लगा था कि आपको थोड़ा सा फिट होना फिट है बट अब ये फुल टाइम प्रोफेशन जब बन जाता है जी। तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई मतलब मतलब आप, आपके पास एक क्लाइंट आया कैसे था मतलब वो जिम मुझे करना है मैंने उनको ये भी नहीं पूछा की हाँ मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन वहां होती हो जहाँ एक्सपर्ट होते हो वहां तो एक्सपर्ट होने का आप जीरो पे बैठे हुए थे आपने कुछ छोड़ा है आपको वहाँ कुछ मिल जाए सीखने के लिए बट मैंने वहाँ कुछ सीखा नहीं ऑनेस्टली hmm. मैंने कुछ सीखा नहीं बस मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि यार अगर आपको तो करना ही ये है ना तो आपको फिर अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा hmm. ज़माने के साथ चलना पड़ेगा hmm. तभी आप कुछ कर सकते हो बट दैट्स हाउ द सर्टिफिकेशन ये सब शुरू हुआ कोर्सेज करना दो डेज सर्टिफिकेशन होता था कि जस्ट एक आपको ऑनलाइन होता था

तो कोई इंजरी है तो वो सब चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं था वो बहुत एडवांस कोर्सेज में आ जाते okay. थे तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया देन आई मूव टू मुंबई तो वो हाँ जाने का भी रीज़न यही था कि मैंने कहा ना अवेयरनेस वाला अभी हम मुझे लगता था कि हम दिल्ली में hmm. दस साल पीछे चल रहे हैं फिटनेस से इज दैट ट्रू इवन नाउ अभी नहीं है ऐसा हाँ, ah. अभी नहीं है ऑनेस्टली हाँ. Ah. तो दस साल पीछे चलने का मतलब ये था कि एजुकेशन को लेके अवेयरनेस नहीं थी hmm. दस साल पीछे का मतलब ये नहीं था कि लोग जिम नहीं जाते थे या लोग बॉडी नहीं बनाते थे या लोग फिट नहीं होते थे अवेयरनेस नहीं थी hmm. इतनी ज़्यादा आज लोग बहुत अवेयर हैं और वहाँ पे बहुत अवेयरनेस मुझे लगी मुझे किसी ने सजेस्ट किया किसी फ्रेंड ने बोला किसी ने इन्फ्लुंस किया जो भी था तो ऑलमोस्ट वन एंड हाफ ईयर वर्क देअर और वापस मैं डेली आया डेली में आके फिर कुछ अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया और बड़े सर्टिफिकेसन्स किए hmm. और अच्छे मिले। सबसे बड़ी बात तो होती है कि आपको अच्छे मिलना बहुत जरूरी। आप मतलब अगर आपको अच्छे मेंटोर ना आपसे ज़्यादा लकी मैं कि कोई नहीं है वो तो दैट इज़ ट्रू फॉर एनी इंडस्ट्री। है ना? हाँ। तो डू यू बॉम्बे में बितायानी yeah, नहीं, कर... नहीं, नहीं, बहुत, बहुत, बहुत प्रोफेशनलिज्म मैं वही रहा ना, आप घर पे रहते हो और जब घर से, सीखा और वहां से अगर मैंने पे काम किया, वो चीज अप्लाई करी और उसके रिजल्ट देखे पॉजिटिव रिजल्ट देखे और लोगों ने रिकोगनाइज किया मतलब कुछ कर पाएगा कुछ है इसके अंदर थी फिर लोग जो मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे या करते थे कहते हाँ यार हमें ये बताना हमारे बेटे को ये करना है हमारी बेटी को ये करना है या हमें ये करना है हमें ये प्रॉब्लम हो गई है तो चीज़ें ना रिकॉल होती हैं यार अ टाइम लाइक तू क्या कर रहा था आई कैन टोटली रिलेट टू तो आई नो दैट दे पहुँच गए राइट उसके बाद एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हो गया आपके साथ टू थाउजेंड थर्टीन में मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ काफ़ी मेजर रोड एक्सीडेंट था आई वॉज गोइंग टू द जिम बाइक पे था मैं पीछे से मुझे कार ने हिट किया मेरा स्पाइन फ्रैक्चर हुआ एल थ्री एल फोर तो ये स्कार मेरा ट्राकििया पे कट लगा था बेसिकली आई वाज वेयरिंग हेलमेट और सामने विंडशील्ड के अंदर गुजरा था मैं एक टेम्पो के अंदर तो मैं कभी भी वो बात सोचता भी हूँ ना ख्यालों में भी अपने तो लिटरली मैं अलग ही कुछ जोन में चलाता है तो मैं कहाँ रोड तो मतलब, अच्छा। तो आपको अपने तो काम से ना कोई भी आप जो दिल से करते हो ना उससे एक बड़ा प्यार हो जाता है ठीक है तो या तो कुदरती मुझे उस दिन चोट लगनी थी या कुछ था तो मेरा वीकली ऑफ होता था उस दिन सैटरडे डे तो

था आ जाइए तो सेक्टर 15 एंट्री एंट्रेंस पे ही पड़ता है नोएडा में आई वेंटेड फ्रॉम द दिल्ली फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा तो सेक्टर 15 सबसे पहले पड़ता है तो ब्रेकर्स पे ना मैंने बाइक जैसे स्लो किया बस मुझे उतना ही याद था कि मैंने ब्रेकर पे बाइक स्लो किया पीछे से कार आ रही थी स्पीड में वाज अराउंड 100 110 की स्पीड पे और उसने मुझे हिट किया सामने एक टेम्पो खड़ा हुआ था लेफ्ट हैंड साइड पे उसके अंदर मैं जाके गया और मेरा गला मेरी नेक विंडशील्ड में जाके अटक गया बैग में मेरा लंच बॉक्स था जिसमें मैं यूजली थ्रू आउट द डे जितनी भी मेरी मील्स होते थे दलिया ओट्स एग्स सब बड़ा स्टील का वो था मेरा टिफिन वो उस बैग के अंदर था वही टिफिन मेरे बैक में मेरे स्पाइन में लगा बेसिकली जो स्पाइन और रिप्स जो मेरे फ्रैक्चर हुए तो वही वजह थी कि जब बाद में निकाला और देखा उनको तो वो लंच टली ऐसे कहते हैं ना डैमेज बिल्कुल आप उसको खोल भी नहीं सकते ऐसा हो गया था तो डॉक्टर्स सॉरी वहाँ पे जब मुझे एक्सीडेंट के बाद में मेरा एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे एक पीसीआर जीप खड़ी हुई थी जी तो अक्सर होता था जब मैं सुबह निकलता था ना वहाँ से एक गलत तो बोलूंगा क्या तो मैं रोजा नहीं समझता था मैंने ये लोग पुलिस वाले सुबह खड़े रहते हैं यहाँ पे लोगों को परेशान करने के लिए परेशान करते हैं आते जाते वो रोक लेते हैं आफ्टर दैट डे आई कि अगर ये लोग नहीं खड़े होते ना यहाँ पे तो मैं बचता नहीं यू वेंट टू वर्क ऑन अ डे यू 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 आर नॉट टू गो डेंट हैव योर कार छुट्टी वाले दिन <laughs> और आप अपने बाइक पे गए और आपको हमेशा ये शिकायत रहती थी कि पुलिस वाले क्यों होते हैं वहां पर एंड इफ दे वर नॉट देयर इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट स्टोरी बिल्कुल 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 राइट सो आप डेस्टिनी में मानते हो अब. अब मानने लग गए हो मानता मैं करेक्ट आपको उस वक्त का तो कुछ याद नहीं रहेगा कि क्या हुआ कैसे हुआ कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा राइट right? याद व... था मुझे हाँ मुझे याद था याद बेसिकली यह था जब मुझे निकाला गया उस टेम्पो से नीचे उतारा मुझे और आप सीधे टेम्पो के अंदर चले गए हाँ पीछे सेट किया और मैं टेम्पो के अंदर गया जी वहाँ पे बाहर गार्ड्स वगैरह खड़े थे मेन एंट्रेंस पे और उन्होंने मुझे नीचे निकाला अब जैसे मैंने अपना हेलमेट निकाला नीचे हाँ। और मैं वहीं गिर गया फिर मैं हाँ। खड़ा नहीं हो पाया मतलब आपने खुद से निकाला हाँ मैंने खुद से निकाला अच्छा तब तक आपका कॉन्शियस हाँ, uh, था, था, हाँ। था जी उसके बाद भी मैं कॉन्शियस था हाँ। जब मुझे गाड़ी में लेके डाला हाँ। और मुझसे और वो, वो पुलिस वालों ने किया पुलिस वालों ने, ने किया और एक टाल उन्होंने लगाया मेरे यहाँ पे ट्रैक किया ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा था तो देवा आस्किंग के घर का कॉन्टेक्ट नंबर बताओ तो मैंने अपने भाई को का मुझे नंबर याद था लास्ट के दो डिजिट भूले जा जो नंबर मैं रोज़ डायल करता हूँ और मुँह जबानी मुझे याद है पूरे घर तो, के नंबर आज भी मैं नंबर वही है मेरे भाई का मेरे छोटे भाई का फैजान मेरे भाई का नाम है जी तो मैं नंबर बता रहा हूँ और लास्ट के दो डिजिट, डिजिट भूले जा रहा हूँ तो आई वॉज लाइक सो इरीटेटेड मैं क्या करूँ सडनली मुझे याद आया नंबर मैंने कहीं नंबर है एंड पुलिस वाला कॉल्ड मेरे भाई को

वो तो वहीं बेहोश हो गई मेरी मम्मी यहाँ पे तो मेरे भाई ने कॉल किया hmm. पुलिस वालों को hmm. फिर से क्या आप बताओ सब ठीक है क्या है आई वॉज नॉट इन द कंडीशन के मैं किसी से बात कर सकूँ मैंने उनको बोला मुझे फ़ोन दो आई टॉक टू माई ब्रदर एंड आई कि आई एम कम्प्लीटली फाइन आप आ जाओ अच्छा मतलब हाँ। जब आपको अंदर लेके जा रहे थे वो जब मुझे हॉस्पिटल स्ट्रेचर पर डाला था उन लोगों ने और मेरे स्टिचिंग हुई थी मेरे ड्रेसिंग लोग लो कर रहे थे मैं आपको बताऊं दोष ऐसा होता है ना रोड एक्सीडेंट्स को लोग समझते हैं कि यार इसका कोई नहीं है इसका कोई नहीं है ये जानवर की तरह ट्रीट करो इसको आई ट्रीट ट्रीट इट लाइक दैट ओनली मुझे एक स्ट्रेचर पर डाल दिया ये भी नहीं पता कि प्रोसीजर क्या था स्टिचेस लगाने का उल्टा सीधा सिला और ड्रेसिंग कर दिया देवर वेटिंग कि कोई आएगा कि नहीं आएगा है भी पता लगे हमारे जान को ना पड़ जाए या हम पे कौन इसके खर्चे उठाएगा ऐसा था मेरी फैमिली पहुंची वहाँ पे देखा और जिस बच्चे से जिस लड़के से एक्सीडेंट हुआ था वो भी लाइक अठारह उन्नीस साल का था वो भी गाड़ी भी उसकी नहीं थी किसी के लिए कर आया था वो भी कहीं काम करता था रात भर नौकरी करके आ रहा था अब गलती थी नहीं गलती थी वो बाद की बातें होती है ना कि आप सब एक दूसरे को तो नहीं ये कर रहा होगा लोग आ रहे हैं कर, किसने मारा किसने मारा किसने टक्कर मारी थी उसका सोल्यूशन नहीं है मेरी मम्मी पहुँची हॉस्पिटल मेरी मम्मी ने कहा कि मेरा बेटा बच गया ठीक है ये भी किसी की औलाद है कोई किसी को हाथ नहीं लगाएगा बिल्कुल भी और जब सारे हाँ जब सारे स्कैन हुए सारे टेस्ट हुए तो न्यूरो का तो कुछ नहीं था उस कम्प्लीटली फाइन बिकॉज मैंने हेलमेट पहना हुआ था उस वक़्त जी और तो सब कुछ ठीक था स्पाइन मेरा फ्रैक्चर आया मेरा रिप्स फ्रैक्चर आया और लंग्स में ब्लड के क्लॉट्स थे बेसिकली तो दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फोटो फोटोशूट तो मेरा फैट परसेंटेज फाइव सिक्स परसेंट था उस वक्त हाँ तो डॉक्टर ने बोला कि आईसीयू में तो रहना है और इतना फिफ्टीन टवेंटी डेज का प्रोसेस है ब्लड क्लॉट्स निकलेंगे नहीं तब तक वी कैन नॉट शिफ्ट वार्ड में जैसे भी आगे का प्रोसीजर अभी हम कुछ नहीं बता सकते और स्पाइन का ऐसा है अभी लिप्स तो अपना खुद से हील हो जाएंगे स्पाइन के लिए या तो आपको सर्जरी कराना है या ने, ने, नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसके क्या करना है तो ब्लड क्लॉट्स तो मेरे जल्दी निकल गए बिकॉज ऑफ माई फैट परसेंटेज अच्छा ओनली थ्री डेज तीन दिन में मेरे क्लॉट्स निकल गए बहुत फास्ट अब आती है कि मेरे स्पाइन का कैसे मैं स्ट्रेट लेटता था हल्का सा हिल भी नहीं पाता था ऑलमोस्ट दस बारह दिन में आई दस दिन में आई में रहा उसके बाद में मुझे वार्ड में शिफ्ट करा फिर ब्रेसिस मुझे बांधे उन लोगों ने ना अच्छे से टाइट करके कह सर्जरी का हम लोग करेंगे और इम्प्लांट लगेगा टाइट मैं रिफ्यूज मैंने सर्जरी तो मैं नहीं कराऊंगा किसी भी हाल में सर्जरी मैं नहीं कराऊंगा मेरे सिस्टर ने और मेरे भाई ने मतलब मेरे पापा और मे मेरी मम्मी इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा नहीं थे और उनको बहुत सीधे से कहूँगा या कम इन सब चीज़ों की वो मेरे भाई ने और मेरे सिस्टर ने सारी चीज़ें देखी करी लाइक कि सर्जरी नहीं करानी तो नहीं करानी एंड द डॉक्टर्स सेड क्या आप सर्जरी नहीं कराओगे या जो भी है सर्जरी कराने के बाद भी आपको लाइफ अपनी बेड पे ही गुजारनी है दे इज नो वे आउट क्या आप कुछ कर पाओगे छोटा मोटा उठ गए बैठ गए दैट इज फाइन बट जो प्रोफेशन या जो आप चीजें कर रहे हो यूल बंद करना पड़ेगा अभी हो, अभी कुछ और जी तो एक ट्रोमा से आप गुजरे हुँ. एक और नई चीज आपके दिमाग में आ गई कि अब क्या करूंगा मैं लाइक करूँगा like, मैंने डॉक्टर कह रहा है तो ये होगा यार नहीं कर नहीं कर सकता हूँ और मैं इतने बोलूंगा इतने जबरदस्त पेन से गुजर रहा था मैं दिन में आठ आठ हाँ दस दस पेन किलर खाता था हर डेढ़ घंटे में हर दो घंटे में उन रात भर सो नहीं पाता था मैं तो डॉक्टर ने बोला कि इम्प्लांट लगेगा और बड़ा डिफिकल्ट है आगे के लिए डेढ़ साल दो साल तक तो बेड पे रहना ही पड़ेगा और ज़्यादा रिस्क मत लो उस में पैरालीज भी हो सकता है हाँ मैं गया, ओके घर ले गए तो आपने सर्जरी कराने से मना कर दिया मना कर दिया इम्प्लान से भी मना कर दिया कर दिया हाँ वट व रीज़न इट रीज़न था बेसिकली मैंने खुद आ, पढ़ा था या सब कुछ जो भी चीज़ मैंने सीखी मैंने कहा अगर मैं एक, एक, एक इम्प्लांट लगा रहा हूँ मेरी नेचुरल मोबिलिटी तो खत्म हो जाएगी अगर अभी चांसेस हैं हीलिंग के अभी अभी मैं आपको बारह तेरह साल पुरानी बात बता रहा हूँ एज यंग है एक्टिव लाइफ स्टाइल है हो सकता है हील हो जाए मेडिसिन से भी कुछ लोग अब उसमें क्या होता है ना जो आपको जितने लोग मिलते हैं वो अपनी अपना एक्सपीरियंस या अपनी अपनी बातें सुन के कह के बताते हैं अच्छा ये कर लो उसको दिखा लो ये पूछ लो ये खा लो कोई पूछता है कोई बोलता है कि हल्दी वाला दूध पी लो कोई बोलता है कि ये खा लो वो सारे घर के नुस्खे हैं होम रेमडीज़ हैं मैंने कहा सर्जरी मैं नहीं कराऊँगा शुरुआत के दस आठ दस दिन जब मैं घर पर था बहुत तकलीफ़ भरे थे और बहुत डिपेंडेंट हो गया बेसिकली मैं हुँ. एक इंसान ऐसा जो सुबह पाँच बजे छः बजे घर से निकलता है और रात को दस बजे अपने घर में घुसता है और फिर फिर अपने अगले नए दिन की तैयारी कर रहा होता है घर में घुस के भी कि यार सुबह में ऐसे स्टार्ट करना है ना अब वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया हुँ. है ना इफ़ यू नीड समथिंग यू विल हैव टू कॉल समबड़ी मुझे पानी चाहिए मुझे वॉशरूम जाना है मुझे ये करना है ऐसा नहीं है कि उनको या मेरे अपने बच्चे बोझ नहीं होते किसी पे कभी नहीं होते ठीक है शायद बच्चों को माँ बाप लगते होंगे कुछ बच्चों को मैं तो कभी ऐसा ख्याल लाऊंगा लेकिन बच्चे कभी बोझ नहीं होते नो मैटर वो किस हालत में में है आप कोई भी उम्र पहुंच जाइए हाँ जी मम्मा और पापा के लिए आप वही होते वही हो गए हाँ। आप बैठ पा रहे हो आप उठ पा रहे हो नहीं पा रहे हो आप सिर्फ बोल भी पा रहे हो नहीं भी आपके लिए वही वैल्यू और वही सब चीज केयर रहेगी उनकी ये दुनिया के सबसे अनकंडीशनल लव है जिसका कोई मुकाबला कोई कभी नहीं, नहीं कर सकते जी इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है लेकिन खुद से लगता था संतोष कि मैं क्या यार क्या हो गया मुझे इससे अच्छा तो कुछ हो जाता एक बारी में खत्म होता ऐसे थॉट्स भी आते थे लेकिन टाइम गुजरा चीजें हुई फिर मैंने किसी और डॉक्टर से किसी के कहने पे कंसल्ट किया कंसल्ट किया यूजली होता है क्या ना हम सोचते हैं कि डॉक्टर का मतलब यह है कि हैव गुड एक्सपीरियंस गुड एक्सपीरियंस मतलब एज ज़्यादा है तो अच्छा डॉक्टर होगा डिग्री uh, ज्यादा है तो अच्छा होगा उस दिन के बाद थोड़ा सा हमारा वो चेंज हुआ हुँ. ऐसा नहीं होता है बेसिकली ठीक है आपका डॉक्ट डॉक्टर सपोज मुझे एक दवाई खाने पैरासीटामोल ठीक है मुझे मालूम है उस दवाई का नाम है अगर मेरा बिलीव उस डॉक्टर पे है ना

और चलो ठीक है कन्विंस भी किया मुझे घर वालों ने करा लेते हैं उसकी क्या श्योरिटी क्या गारंटी है विल ही एबल टू डू द नॉर्मल थिंग जो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा हो पाएंगी कि नहीं नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है चांसेस तो ऐसे ऐसे तो वो चीज़ ना आपको मोटिवेट नहीं करती है बिल्कुल अब अचानक आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो अंदर से आपको समझ गया हुँ. कि यार ये इतने बड़ी चीज से गुजर गया है और आज मेरे सामने बैठा है ये इंसान तो ये कर सकता है एटलीस्ट कर कोशिश तो कर सकता है इफ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू आप मुझे बोलते हो मैं इस कंडीशन में बैठा हूँ बोलते हो जोब खड़े होकर दिखाओ आपने मुझे कमांड दिया और मैं खड़ा हो गया इट मीन्स कि अंदर मेरी वो चीज़ है ना मैं रिएक्ट कर रहा हूँ वैसे करेक्ट मैं खड़ा हुआ उन्होंने बोला चल के दिखाओ मैं चलने लग गया बोले पेन कितना हो रहा है मैंने कहा जितना बैठ के हो रहा था उतना खड़े होके हो रहा है कह रहा फिर तो कोई बल्ले बल्ले या कोई दिक्कत ही नहीं है कह रहा इट विल टेक टाइम इट्स नॉट लाइक के इसमें प्रिकॉशंस नहीं लेना है ऑब्वियसली मैं कोई कहूंगा मैं कुछ सुपर मैं या फिर कुछ सुपर हीरो बन जाऊँगा और मैं ठीक कर लूंगा ऐसे घुमा के नहीं अच्छा गाइडेंस मोटिवेशन एक चीज़ हो गई उसको समझाना कि ओवर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंटमंद होना कि आपने ये चीज़ कर लिया और कर लो इसमें बहुत एहतियात बरतनी है आपको तो उस दौरान जो भी चीज़ें मैंने सीखी जैसे तो आपने शुरुआत में सवाल पूछा कि वो चीज़ें आपने अप्लाई करी जो आपने पढ़ी थी एक्चुअली में मैंने अप्लाई करी खुद पर ऐसी क्या चीज़ें उन्होंने कही थी आपसे एक स्टेप अप कर लिया hmm. 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 आपने एक चीज बढ़ा ली अब दर्द तो ऐसा चीज है आज है दिर, कोई भी दर्द लंबा नहीं चलेगा hmm. Hmm. आप उसको जितना सहन जितना आपका थ्रेश होल्ड है पर हो जाएगा लाइक ओके दो डे बाय डे ऑन डेली बेसिस आई हैव सीन प्रोग्रेस इन माय सेल्फ मेरी हेल्थ में मेरी स्ट्रेंथनिंग में मेरी मोबिलिटी में हर चीज में मैंने डिफरेंस आपने क्या किया जो आपने कहा प्रोग्रेस व्हाट डिड यू डू एवरी सिंगल डे सो बेसिकली आई स्टार्टेड लाइक ग्रेजुअली आई स्टार्टेड आई डॉ नॉट लाइक मैंने पहले ही कहा कि वैसे नहीं मैं कोई सुपरमैन बन जाऊंगा मैंने कुछ कुछ चीजें करके देखी लेटे लेटे मैं कुछ ग्लूट्स के एक्सरसाइज करता था कुछ पस, कुछ स्ट्रेंदिंग एक्सरसाइजेज जो मैं ऐसा नहीं कोई एक्सटेंशन मूवमेंट कर लिया या कुछ कर लिया स्लोली ग्रेजुअली जो मेरी सपोर्टिंग मसल्स थी जो सपोर्ट कर रहे हैं अगर मैं इस चेयर पे बैठा हूँ तो इसके जो ये जहाँ इस पर जो इसका बेस है अगर ये सपोर्ट ही नहीं है इसमें नो no मैटर कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है ठीक है तो उस बेस को मैंने फिर से स्ट्रॉन्ग करना शुरू करा जी ठीक है मेमोरी थी मसल मेमोरी थी पहले से मैं सालों से वर्कआउट करता आ रहा था सालों से फिटनेस में था खुद ट्रेन कर रहा था लोगों को ट्रेन करा रहा था तो वो सब चीजें धीरे-धीरे धीरे-धीरे आने शुरू हुई और वो मसल मेमोरी मेमोरी मैं बोलूँगा उसको तो फिर वापस से चीजें रिकवर करना शुरू कर गया तो इस दौरान दवा सिर्फ पेन किलर्स ही थे सिर्फ पेन किलर्स नथिंग कुछ else. भी नहीं था उसके अलावा और कुछ नहीं था सो so, ये जो दूसरे डॉक्टर आपके पास जिसके पास गए गए जिसके आप मोटिवेट करके खुद को कि मुझे आई नीड टू फॉलो माई ड्रीम जो मैंने मेरे गोल्स थे मुझे वो अचीव करने हैं एंड आई कैन डू इट बिल्कुल एक दिन मैंने बस ये ठान लिया कि मुझे ठीक होके दिखाना है मुझे ठीक होना है हुँ. चैलेंज आपने अपने आप को अपने आप को दिया हाँ। जिस दिन मैं ये सोच रहा था ना जब मैं कि यार मैं ये हो जाता और इससे अच्छा तो कुछ हो जाता तो अच्छा था तो, तो चीजें और खराब हो रही थी मेरे साथ हाँ लेकिन ये जो आपने कहा ना कि बीच में आपके ऐसे थॉट्स आने लग गए थे दिस वॉज जब आप कैलाश हॉस्पिटल में थे एंड द डॉक्टर वॉज टेलिंग यू ऑल दिस तो ये थाट्स इसलिए आ रहे थे कि बिकॉज यू आपके कुछ ड्रीम्स थे आप कुछ करना चाहते थे वो आप कर नहीं पा रहे थे या आप अपने पेरेंट्स को आप आपके आसपास हेल्पलेस देख रहे थे तो ये मतलब इट वाज अ मिक्स्ड 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 आई वुड वु मिक्स्ड बेसिकली मेरा सपोज अगर डॉक्टर मुझे बोल रहे थे कि यार आप ये काम छोड़ दो हुँ. तो ये मेरा पैशन है हुँ. और ये काम है तो इसलिए मैं हूँ मैं हूँ ये मेरी पहचान है ठीक है ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और नहीं कर सकता था लेकिन उतने मन से नहीं कर पाता मैं वो चीज़ और कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ एक छोटा बच्चा भी होगा ना अगर वो भी बिना मन के कोई चीज़ करता है तो आप उससे वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते या ना वो ऐसा परफॉर्म या ऐसा डिलीवर कर सकता है जो एक मन से करे हुए काम से करता है ये जो हीलिंग प्रोसेस था कितने टाइम तक ये फाइव सिक्स मंथ्स फाइव सिक्स मंथ्स छः महीने मैं क्योंकि सिर्फ विजुलाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ जोएब की फ्रॉम फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट टू द हॉस्पिटल टू दिस एंड द वॉज नो अदर मेडिसिन एक्सेप्ट योर ओन विल पावर क्योंकि ये सब के लिए एक लेसन है आई कैन टेल यू दैट आई नो वॉट यू डेव फेल्ट क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि आई फील ब्लेस्ड एवरी सिंगल मिनट ऑफ माई लाइफ और मुझे जैसे मैंने कहा सब कुछ स्क्रिप्टेड है सो इवन योर रिकवरी वॉज स्क्रिप्टेड

देर वॉज नथिंग मतलब कुछ कोई प्रोसेस ही नहीं था मेरा फिजियोथेरेपी का या किसी चीज हाँ। का तो बस यू जस्ट रेकमेंडेड बट मैंने जो किया खुद से किया हम्म व्हाट वर दोस थिंग्स लाइक मतलब uh, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को मूव करना हां स्लोली ग्रेजुअली सारा प्रोसेस था प्रोग्रेशन मुझे खुद से फील हो रहा था डे बाय डे मैं उस चीज को फील कर रहा था अच्छे से हर जगह मैं महसूस कर रहा था शुरुआत में मुझे पेन भी हुआ कुछ के करके लेकिन मैं कभी किसी से बताता नहीं था डिस्कस नहीं करता था मैं कोशिश करता था खुद से उठने की मूवमेंट करने की उसमें भी मुझे पेन होता था लिटरली मैं शिवर करती थी मेरी बॉडी लेकिन धीरे धीरे हुआ ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें हुई और उसमें पॉजिटिविटी ही देखी और प्रोग्रेस देखी मैंने जी तो दिस हीलिंग प्रोसेस सिक्स मंथ्स उसके बाद बैक तू... बैक टू टू वर्क फिर हाँ. से वो... कैसा फीलिंग था आपका जब वेन यू मतलब ये इंसिडेंट के बाद गोइंग बैक नया जन्म जैसा

तो वो मेरा एक हैप्पी प्लेस है था और रहेगा हमेशा हाँ जो दिन भर का काम का यहाँ का जितना भी दुख दर्द है कुछ उस जगह में हूँ या मैं वो काम मैंने हमेशा अपने काम को एंजॉय किया है जैसे मैंने आपको शुरुआत करी थी ना कि मैं जिस काम को पहले करता था मेरी नज़र हमेशा घड़ी पे रहती थी कि, कि कर कब खत्म करूँगा कब जाऊँगा लेकिन अब मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसको इंजॉय करता हूँ मैंने कभी घड़ी देख के काम नहीं करा आज मैं अपना काम कर रहा हूँ पहले मैं लोगों के लिए काम कर रहा था लेकिन मैंने हमेशा ये ये सोच के काम किया है दिस इज़ माई वर्क और ये मेरी जगह है और ये मेरा काम है और मुझे उतनी ही शिद्दत से करना है कोई इसमें एक्सक्यूज़ नहीं इफ एंड बट नहीं कभी ये सोचा ही नहीं तो आई जस्ट टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू डिस्कस दैट एक्सीडेंट पार्ट आपने कहा व्हेन वी वर टॉकिंग बिफोर वी स्टार्टेड द पॉडकास्ट आपने कहा कि कभी कभी आज भी आपको वो इंसिडेंट रिकॉल uh, होता है होता है हैव यू एवर उसके बाद कभी आपने बाइक राइड नहीं की उसके बाद काफी सालों तक नहीं करी हाँ. काफी सालों तक हाँ अभी काफी साल तक ऐसे इनफैक्ट मैं किसी के साथ बैठता भी नहीं था बाइक पे हाँ। <laughs> इतना डर पिछले को एक डेढ़ एक डेढ़ साल से थोड़ा लोकल में आसपास कहीं चला नॉट ऑन हाईवे या रोड हाँ। पे ऐसे नहीं। लोकली कहीं किलो दो किलोमीटर टाइप्स सो ग्रेविटास का जन्म कब हुआ ग्रेविटास का जन्म हुआ 2020 में। अच्छा जस्ट बिफोर कोविड जस्ट बिफोर कोविड। तो प्लानिंग शुरू हो गई थी 2019 में। नाइनटीन में मी एंड माय पार्टनर माय बिजनेस पार्टनर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन आकांक्षा तो मैं इससे पहले काफी सारे ब्रांड्स के साथ काम कर चुका था एंड एन एक इंडियन लोकल ब्रांड आल्सो उनके भी मैंने छः सात सेंटर्स यहाँ खुलवाए वो होता है ना कि अगर आप के अंदर आपको एक अंदर से पता है कि अगर आप किसी और के लिए किसी और के लिए औरों के लिए चीज़ें खड़ी कर सकते हो यू हैव दैट कैलिबर दैट कैपेसिटी तो वाई नॉट फॉर यू ये ये थाट बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं कि हम खुद का कुछ करते हैं हाँ। खुद का कुछ करें कर दोनों चीज़ होती हैं इसमें फिर या तो उनको लगता है कि दो तरह की जैसे अपने बहुत लोगों को थॉट आते हैं ऐसे कुछ लोगों को थोड़ा सा आता है कि मेरे ऊपर ही सब कुछ चलता है हाँ। लेकिन कोई भी चीज़ किसी के लिए नहीं रुकती है हुँ. ठीक है अगर मैंने दस जगह काम करा या लोग दस सौ जगह काम करते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं जो चीज़ जैसे चल रही थी वो चलती रहती हाँ. है ठीक है तो सो आकांक्षा वॉज ऑल्सो वर्किंग विथ यू इन समर जिम और नहीं नहीं वो इस इंडस्ट्री से नहीं है बेसिकली अच्छा बस उनका भी थोड़ा इंटरेस्ट था हाँ। उन्होंने लगा कि आपका इतना टाइम हो गया यू हैव लाइक स्पेंड ऑलमोस्ट फिफ्टीन सिक्सटीन ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री यू है वेरी गुड नेटवर्क नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी स्टार्टअप को अगर मैं यही काम आज मेरे पास पैसे भी हैं फॉर एग्जाम्पल और मैं कल सोचता हूँ कि भाई ये काम करना शुरू कर दूँ आई कैन नॉट डू द थिंग इज़ कि मुझे लोग ही नहीं जानते मेरे चैनल्स ही नहीं हैं वैसे मैं कहाँ से क्या चीज़ रिसोर्स करूँगा कहाँ से क्या काम करूँगा तो वो सारी चीज़ें मैंने सीखी पंद्रह सोलह साल जो आपने विजन की बात करी थी तो मुझे चार पांच साल में समझ में आ गया था कि यार मुझे इस डायरेक्शन में जाना है आप, आपको लगा था कि ये इंडस्ट्री में कुछ मिसिंग था जो आप, जो आप आप कर सकते थे थ्रू इस इंडस्ट्री में तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन एज एन इंडिविजुअल मैं ये चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है हुँ। थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है बट इंडस्ट्री बहुत अच्छी है चेंजेस ऑबियसली इफ़ यू आर लाइक मैंने अगर आप इन्वॉल्व हो और मैं मैं उसी इंडस्ट्री में काम करता आ रहा हूँ तो आपके इमोशन्स जुड़े हैं उस चीज़ से न नहीं लेकिन देर आर मैनी जिम्स अभी आपने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स खोले अगर मैं आपसे पूछूँ हाउ डज ग्रेविटाज कैसे वो स्टैंड आउट करता है दूसरे स्टैंड आउट मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टैंड आउट करता है कि मेरी वजह से करता है स्टैंड आउट करता है कि मेरा मेरा जो मेन मोटो है काम करने का hmm. मेरा मोटो ये है कि जो लोग मेरे साथ काम करते हैं hmm. जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं या कर चुके हैं मेरे साथ-साथ वो लोग भी ग्रो करें दैट्स वन बट एज़ अ पर्सन हु इज़ वॉकिंग इनटू द जिम वहां पे अगर तीन अलग-अलग जिम है मैं ग्रेविटास क्यों आऊं हाँ? आप ग्रेविटाज इसलिए आई है कि ग्रेविटाज में जो एक्सपीरियंस जो मैं आपको शेयर करूंगा अपना और जो चीज़ आप एग्जैक्टली exactly जो जिस पर्पज़ के लिए आप आए हो एवरीबडी हैज लाइक उसका सबका डिफरेंट डिफरेंट गोल है जी जिम जो आ रहा है वो कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है कोई टाइम पास करने तो नहीं आ रहा है हुँ। लेकिन शुरुआत जैसे मैंने बोला ना शुरुआत दौर का जो दौर, जो दौर होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी फिटनेस जर्नी के लिए अगर उस जर्नी में हर सारे जिम्स अच्छे हैं सारे फिटनेस सेंटर्स अच्छे हैं आई एम नॉट सेइंग कि ये खराब है या अच्छा है मैं मेरा कॉन्फिडेंस या मैं जो चीज़ आपको दे रहा हूँ मैं वो जो मैंने अपने अठारह उन्नीस साल के एक्सपीरियंस में सीखा है ठीक है बिकॉज मैं बिलोंग करता हूँ सब चीज़ों से अगर मैं एक ऐसा ब्र, ब्रांड खोल के बैठ जाऊँ कि जस्ट वॉन्ट टू मेक मनी आई डोंट केयर अबाउट रिजल्ट आई डोंट केयर अबाउट सर्विसज या कस्टमर एक्सपीरियंस तो फिर वो ऐसी चलने वाली बात है अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट हंड्रेड परसेंट में काउंट नहीं करता वेन आई वॉज जिम और आपने ऊपर वाले फ्लोर में मुझे आप मुझे आप लेके गए थे कोट एक, एक, एक तो आपके जिम में इतने अच्छे अच्छे कोट हैं बट वो एक पर्टिकुलर कोट मुझे स्टार्टेड आस्क <laughs> है ना वो जो वाई है वो बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल लाइन राइट हम सबको ये सवाल पूछनी चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वाई फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ ओवरऑल जो हमारा वेलनेस है सो इफ यू कैन जस्ट शेयर फॉर एवरी वन की आई है जिम और आई डोंट इवन फोकस एक तो क्या है कि जिम जाने से ही आप फिट हो गए राइट आई होप मैं ग्रेविटास प्लीज गो टू द जिम प्लीज गो टू ग्रेविटास बट आई कि जिम जाने में ही फिटनेस राइट नहीं है तो आप Fitness, hmm. fitness, wellness, तो सबसे पहले आपको ये जानना है लोग से शुरू होते शुरुआत से शुरू नहीं होते शुरू होते हैं hmm. मतलब हमारा डेली का एक्सपीरियंस है रोज हम लोगों से बात करता हूँ पूछता हूँ सर आज लेट हो गया इसलिए नहीं आ पाया hmm. मंडे से शुरू करूंगा अगले महीने की पहली तारीख न्यू रेजोल्यूशन ठीक है तो मेंटल ब्लॉक है वो कि आपने किसी चीज को किसी डेट को किसी डे को अपना वो बना रखा है कि तब तक ये आएगा नहीं तो मैं हिलूंगा नहीं दूसरी चीज होती है जैसे आपने कहा जिम जाने से लोग फिट होते हैं नो वट एक्टिविटी जो आप अच्छा लगता है आपको जो आप इंजॉय करते हो आप वॉक करना अच्छा लगता है आपको कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है ठीक है आपको स्विमिंग करना अच्छा लगता है या आपको जिमिंग करना अच्छा लगता है चूज एनी वन योगा हुँ। योगा एनी थिंग कुछ भी आप चूज कर लीजिए फिर बात आती है कंसिस्टेंसी की अच्छा लगना एक चीज हो गई अच्छा मुझे जिम लगना इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आप जिम जाते हो तो मुझे भी मैं भी चल देता हूं चार दिन बाद आपने छोड़ दिया तो मैं भी नहीं जा रहा वो अच्छा नहीं लग रहा था वो तो इंफ्लुएंस होकर जा रहे थे यार चलो ठीक है कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी तीसरी चीज होगी डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन आपका खाना पीना आई एम नॉट से आपको कुछ खाना छोड़ना है आई एम टोटली अगेंस्ट उस चीज के hmm. आपको जो खाना है एक बैलेंस करके खाना है बैलेंस hmm. डाइट जिसको हम बोलते हैं वट एवर आप ना जीवन दिया है भगवान ने ऊपर वाले ने तो उसको एंजॉय भी करना है हर चीज hmm. जानी है खाना है लेकिन किस तरीके से खाना है ठीक hmm. है जो आपने कहा कि वाई चूज ग्रेविटाज और आई एम नॉट सेइंग कि मेरा ग्रेविट जिम मेरा है ग्रेविटाज मेरा है तो मेरा हमारा और इनफैक्ट मेरी पूरी टीम का सिर्फ यही फोकस रहता है कि हम उस चीज़ के लिए एजुकेट कर सकें लोगों को फर्स्ट क्वेरी अगर हम एक क्वेश्चनर है हमारे पास हमारी स्पेशली मेरे सेल्स टीम के पास मेरे फिटनेस कंसल्टेंट टीम के पास कि पहला सवाल ये होना चाहिए कि आप ज्वाइन क्यों कर रहे हो हुँ. आप ज्वाइन क्यों कर रहे हो हमें तो डॉक्टर ने लिख लिख के दे दिया है कि आप वर्कआउट करना पड़ेगा ठीक है या मेरी तीन महीने में शादी है या मुझे अब्रॉड उस पर जाना है तो सबके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स लेके आते हैं एक इंसान ये गोल लेके आता है आई जस्ट वॉन्ट फिट आई जस्ट वॉन्ट बी फिट मुझे अपनी फ़िटनेस चाहिए ठीक है मुझे सिक्स पैगस नहीं बनाने मुझे मसल्स नहीं बनाने आई बनानेट वॉन्ट फिट उसके लिए मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होना चाहिए जो मैं खाऊं वो मुझे अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए एक एक्टिव लाइफस्टाइल में जी सकूं जो मेरी रोज़मर्रा का काम है वो मैं अच्छे एफिशिएंसी से कर सकूं दिस इज़ ऑल अबाउट फिटनेस ये है फिटनेस फिटनेस का मतलब ये मिथ वाले जो आपने बात करी लोगों को लगता है कि यार इसकी बॉडी अच्छी है तो ये फिट है नहीं है मैं आपको एक ने एक हज़ार एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ ऐसे कि वो दिखने में बहुत अच्छे लग रहे है। आपको हैं आपको एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं बट दे आर नॉट फिट इंटरनली एक्सटर्नली तो आपको दिख रहा है यार यार इसके बड़ा अच्छा लग रहा है तो सुंदर है बड़ा मसल्स वसल्स ही बैठा है लेकिन वो नहीं ओवरऑल वेलनेस ओवरऑल फिटनेस नहीं है फिटनेस वो है जो आप डे टू डे लाइफ में जो आप जी रहे हो ना उसको कितनी एफिशिएंसी से कर सकते हो करेक्ट वो फिटनेस है अच्छे रह के खुश रह के मूड स्विंग्स नहीं हो रहे आपके वो फिटनेस है सो गुड डाइट गुड स्लीप हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाँ आई रियली वॉन्ट टू वास्ट दिस प्रोटीन इनटेक होते हैं आर दे गुड सो बेसिकली ये भी एक मिथ है दोष मैं कहूँगा कि uh, लोग जिम जाना शुरू करते हैं और दस दिन हुए नहीं कि आप ये प्रोटीन ले लो या ये डब्बा ले लो अब तो प्रोटीन फिर भी थोड़ा सा इज्जत देने लग गए लोग हाँ। <laughs> <laughs> पहले कहते थे ये डब्बा ले लो और डब्बा लेके कुछ कुछ बन जाते थे कहते थे ये तो डब्बे वाली बॉडी है हाँ सो so बेसिकली जैसे हम न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे थे तो न्यूट्रिशन ना हर महीने से ज़रूरी है हाँ ठीक है अगर आप एक नेचुरल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ इनफैक्ट आपसे भी अगर बात करूँ मैं आपका दिनचर्या पूछूँ कि आप स्टार्ट कहाँ से करते हो और ख़त्म कहाँ पर करते हो तो हार्डली मुझे आपके खाने में प्रोटीन मिलेगा इन इंडियन डाइट हमारा दिन शुरुआत भी काप से होता है और ख़त्म भी काप से होता है एज एन एग्जाम्पल बताइए फॉर एग्जाम्पल मैं मैं आपसे फ्री सजेशन ले लूँ <laughs> बता दीजिए

अब उस एक इडली का न्यूट्रिशन वैल्यू है? कितना है उसमें कितना काब्स है और पांच इडली का न्यूट्रिशन वैल्यू, वैल्यू भाई मैं चार इडली खाता हैं <laughs> चटनी और सांबर के साथ बस तो आपका दिन ही शुरुआत काब से हो रहा है हाँ तो दि इज नो प्रोटीन आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी काम की आप एक्टिव रहोगे हाँ. तो दो चीज होते हैं काब्स आपको एनर्जी दे रहा है इफ यू आर डूइंग वर्कआउट और आपका प्रोटीन जो आपके जो डैमेज टिश्यूज जो जो रिपेयर मसल्स के डैमेज टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करता है इट्स नॉट लाइक आप वर्कआउट कर रहे हो तभी आपको प्रोटीन लेना है

या सिर्फ आप चावल खा रहे हैं तो आप इनकम्प्लीट खा रहे हैं दाल तो okay. चावल का कॉम्बिनेशन ना किसी ने बनाया नहीं है हाँ। इसके पीछे भी साइंस है हाँ। ये पुराने जमाने से हम उन सब चीजों को वैल्यू नहीं करते हैं, समझते नहीं है दाल चावल का मतलब भी प्रोटीन है इफ यू आर हैविंग खाली दाल या खाली चावल तो ना आप इनकम्प्लीट प्रोटीन ले रहे हो उसमें जी। जो मोलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन हाँ। के तीन मोलिक्यूल होते हैं बेसिकली अब वो दो तीन मोलिक्यूल्स तब बनते हैं जब दोनों चीजें मिलती हैं दाल और चावल दोनों इफ यू आर हैविंग दाल यू आर नॉट गेटिंग फुल अमाउंट ऑफ प्रोटीन मतलब वो मोलिक्यूल मिसिंग है उसमें से hmm. अगर आपके साथ चावल एड कर दोगे तो आपने उसको कम्प्लीट प्रोटीन कर लिया hmm. अब नहीं जैसे आपने कहा मैं तो नॉन वेजिटेर नहीं हूं तो मैं कैसे प्रोटीन खाऊं hmm. तो जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोटीन नहीं खा सकते प्रोटीन hmm. नहीं है उनके लिए यू कैन हैव पनीर यू कैन है ठीक है स्प्राउट्स आप खा सकते हो रेगुलर बेसिसर बेसिस खा सकते हो hmm. ठीक है और

उसमें क्या है कि अगर मैं बीस बाईस ग्राम की बात करूं एक, सव, एक मील में वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है ये तो वे करना भी मुश्किल है ना आप तो यू आर यूज्ड टू द होल थिंग अबाउट इतना चाहिए बट फॉर बेसन का चीला ले लिया हाँ उसमें तो आपने कम्पलीट प्रोटीन भी ले लिया और काब्स भी ले लियाफास्ट एंड मील शुड

कि आप काप्स कितना खा रहे हो हुँ. तो लीवर ग्लाइकोजन नाम की एक चीज होती है लीवर में आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज कितना होता है हुँ. तो थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड थ्री फिफ्टी स्टोरेज होता है जनरली आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि मॉर्निंग कार्डियो करो या ये करो वेट लॉस होगा हुँ. या फिर कार्डियो ही ज्यादा करो वेट ट्रेनिंग मत करो वेट लॉस होगा हुँ. तो होता है कि मेरे इस पॉकेट में पैसे है और मेरे इस पॉकेट में भी पैसे हैं ठीक है मैं बाहर शॉपिंग के लिए गया मुझे लगता है ग्रेविटाइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो दोनों पॉकेट में आपके <laughs> और मैंने शॉपिंग करना शुरू कर दिया मैंने खरीदना शुरू कर दिया यहाँ से ही सारा खर्च हो गया हाँ. लेकिन मैंने जो मुझे चाहिए अभी भी नहीं मिला तो मैं कहीं दूसरी यहाँ से जो मेरी सेविंग्स हैं या बचा के रखे हैं जोड़ के रखे हैं मैंने यहाँ से शुरू कर दिया हुँ. तो ये साइकिल है ना जो हम बात करते हैं वेट लॉस और फैट लॉस की इफ़ आई एम डूइंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लाइक कार्डियो अगर मेरा ग्लाइकोजन स्टोरेज तीन सौ साढ़े तीन सौ कैलरीज का है हुँ. और मैंने चार सौ कैलरीज पांच सौ कैलरीज कार्डियो में बर्न कर दिया अपना ठीक है अब मेरी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए बॉडी को एनर्जी चाहिए बिथाउट ना पेट्रोल के तो गाड़ी नहीं चलने वाली हुँ. अब वो मेरी बॉडी एनर्जी जो लेती है वो थ्रू प्रोटीन लेती है जो मसल से लेती है. उस केसेस में बोल बोलते हैं ना लोग मसल लॉस हो गया मसल मसल लॉस का मतलब क्या हो गया यू आर नॉट हैविंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन पहली चीज़ तो ये हुँ. और आप एक्सेसिव कार्डियो कर रहे हो इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ठीक है कार्डियो भी होना चाहिए और वेट ट्रेनिंग भी होना चाहिए कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं कि हम तो ऑलरेडी इतने पतले हैं हमें कार्डियो करने की जरूरत नहीं है कार्डियो करने का मतलब आपको पतला नहीं कर रहा है कार्डियो आप इंटरनल ऑर्गन्स को अपनी ट्रेन कर रहे हो अपने ना आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम उससे अच्छा इंप्रूव हो रहा है जैसे आपने कोविड की बात करी थी दैट वाज अ टाइम व्हेन होल रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डिस्कशन हो, हो गया हाँ. हो गया ये हो गया तो जिन लोगों का अच्छा देखो बाकी तो देखो वही वही वाली बात है कि करने वाला है ऊपर वाला उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कितने रेस्पिरेटरी सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग कर लो कुछ कर लो लेकिन एक प्रिकॉशंस और एक एक डिसिप्लिन सब चीज़ें होती हैं जो लोगों को समझ में आनी चाहिए एटलीस्ट मिथ्स क्लियर होने चाहिए कि मिथ्स क्या है अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी और कल को आप इसको लाइव करेंगे तो बहुत सारे लोग इस पर ये भी कमेंट करेंगे नहीं ऐसे नहीं होता वैसे होता है वैसे नहीं होता कुछ लोग हाफ नॉलेज लेकर आते हैं उनके अपने अपने थाट प्रोसेस हैं कुछ लोगों को नॉलेज ही नहीं होता उनकी डिफरेंट प्रोसेस होते हैं और जिनको होती है वो बात ही नहीं करते कहते हैं ठीक है मुझे तो कई सारे जो डॉक्टरों को मैं जानता हूँ वो मुझसे कहते हैं कि आजकल इंटरनेट के आने की वजह से जो है सब लोग खुद डॉक्टर बन गए डॉक्टर बन गए गूगल में जाते हैं मुझे इस तरह की दर्द हो रहा है मेरे सर दर्द हो रहा है ये हो रहा है वो रहा है ऑनलाइन कर दिया और डॉक्टर के पास जाके बोलते डॉक्टर बोलते ये करो तो बोलते इंटरनेट में तो ये रहता रहा है, रहा है। ये, तो ये आपके साथ भी होता होगा बहुत होता है। बहुत होता होगा बहुत बहुत है है इनफैक्ट हम जिम्स में स्पेशली बहुत ज्यादा होता है यूथ्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं उस चीज़ को मतलब कोई इंटरनेट से कोई प्रोग्राम उठा लिया किसी अच्छे एथलीट का प्रोग्राम उठा लिया जिनकी जिंदगी गुजर गई वर्कआउट करते करते और डिसिप्लिन में रह के अब एक सत्रह साल का बच्चा जो अभी स्कूल पास आउट हुआ है उसको बॉडी बनानी है क्यों क्योंकि कॉलेज क्यों 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 जाना है घूमना है मतलब उसका कोई विज़न नहीं है कोई गोल नहीं है अगर मैं उनसे सवाल पूछूँ कि क्यों उठाना है इतना वजन या क्यों बॉडी अच्छा दिख अच्छा आप अभी भी दिख रहे हो बट यू नीड गुड गाइडेंस वो गाइडेंस की कहीं ना कहीं वो गाइडेंस मिसिंग है अब क्या होता है इंटरनेट से लेके मैं एक प्रोग्राम से प्रोग्राम ले है उठा के बीस साल उस प्रोग्राम उस बंदे का है जिसकी अचीवमेंट शुरू हुई है बीस साल के बाद करेक्ट ठीक है कोई प्रो बॉडी बिल्डर या बॉडी बिल्डर या कोई एथलीट जो 20-25 साल उसने मेहनत करी है उसके बाद में उसने कम्पीट किया है लेकिन उनको बनना दो महीने में चार महीने में वो फोटो साथ में लेकर आते हैं ऐसा <laughs> बनना है या फिर ये प्रोग्राम लेकर आते हैं कि मैं उसका प्रोग्राम फॉलो करना हाँ। है कर आती है बात कंडीशनिंग पे जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हो या मैं जी रहा हूँ या कोई थर्ड पर्सन जी रहा है सबका डिफरेंट लाइफ है भगवान ने सबको अलग तरीके से बनाया सबके डिफरेंट टाइप बॉडी का टाइप डिफरेंट है ठीक है फिजियोलॉजिकल कंडीशन डिफरेंट है ठीक को है, है किसी को कोई डिफॉर्मिटी है कुछ पॉस्चर का कोई प्रॉब्लम है किसी को कोई टाइटनेस है कोई वीकनेस है हुँ. तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत जरूरी है अब मैं इंटरनेट से प्रोग्राम तो लिया है उस इंटरनेट में कहीं भी ये नहीं लिख, ये नहीं लिखा था कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये नहीं कर सकते हुँ. या आपको ये प्रॉब्लम है आप सोचना भी मत करने के लिए वो सब्सक्रिप्शन भी ले लिया सब कुछ कर लिया और तोड़ रहे हैं शरीर को तो मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही थी कि आप अवॉइड नहीं कर रहे हो सिर्फ डिले कर रहे हो चीज़ें आई होगी इंजरी दो महीने बाद हो जाएगी चार महीने बाद हो जाएगी और होती है और मैं पर्सनली बच्चों से बोलता हूँ मिलता हूँ कुछ लोगों ना एक्चुअली क्या है ना हम और आप अगर मैं आपको कोई बात बताऊँगा आप सोचोगे कि मैं मेरे फायदे की बात बता रहा है कुछ लोगों को लगता है नहीं ये फायदे की नहीं बात बता रहा है ये अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हमें बात बता रहा है तो हर किसी का माइंड डिफरेंट है तो देन इन दैट केस अ गुड डाइट इंटरवल्स पे गुड प्रोटीन इनटेक गुड स्लीप मेंटल वेलनेस हाइड्रेशन हाइड्रेशन

कुछ कहीं दिमाग कहीं और चल रहा है टहलते हुए पहुँच तो गए आधे घंटे में हमने कवर करा फाइव हंड्रेड मीटर्स ठीक है अब वही चीज़ मेरा फोकस पूरा अपने पेस पे है ठीक है आधे घंटे में अपना पेस मेंटेन कर रहा हूँ एक वर्ड ज्यादा डाला है उसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ से मैं ट्रेडमिल कर रहा हूँ ठीक है ट्रेडमिल की स्पीड थ्री पॉइंट फाइव साढ़े तीन किलोमीटर पर आर की स्पीड पर चल रहा है यू जस्ट वॉकिंग ठीक है वही स्पीड मैंने की कर दी फॉर एग्जाम्पल तो आप उस पेस को मेनटेन कर रहे हो ना बिकॉज वो ट्रेडमिल चल रहा है लेकिन वो पेस आप बाहर वॉक करके मेंटेन नहीं कर रहे वो दैट इज इंटेंसिटी क्या आपका एफर्ट ज्यादा लग रहा है अगर आपका एफर्ट ज्यादा लग रहा है तो आप वो चैलेंजिंग है आपके लिए ठीक है लोग करते हैं मतलब साइकिलिंग कर रहा हो जिम पे भी करते हैं साइकिल मैंने ये खास करके नोट किया ट्रेडमिल पे

मैं पांच की स्पीड पे भी थक सकता हूँ आप पंद्रह की स्पीड पे भी दो मिनट रन कर सकते हो डिपेंड करता है लेकिन वो चीज़ ग्रेजुअली होती है ठीक है वो अचीव करते हैं वही आपको बोला ना आप फिफ्टीन की स्पीड पे दौड़ रहे हो दो मिनट मैंने आपको नोटिस कराया दौड़ रहा है मुझे भी फिफ्टीन पे दौड़ना है मेरा माइंड एंड बॉडी मेरा कनेक्शन ही नहीं है ठीक है लेट से मैं गाड़ी चलानी है मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं कार चलाना सीखा आज सीखा कल मैं हाईवे पे चला के ठीक है मेरा एक पैर एक्सलेटर के ऊपर है और एक ब्रेक के ऊपर है मेरा यही डर है कि सामने कोई आएगा तो मुझे ब्रेक मारना है अब मेरा नर्वस सिस्टम मेरा न्यूरो सिस्टम इस तरीके से काम कर रहा है जब मैं सीख जाता हूँ वेल ट्रेन हो जाता हूँ ऑटोमेटिकली अगर मेरे सामने कुछ भी रोड पे हुआ मेरा ऑटोमेटिक मेरा पैर ब्रेक पे जाता है हुँ. तो जब वो पेस मेंटेन करने लगते हो ना तो आपका ऑटोमेटिकली प्रोग्रेशन शुरू हो जाता है यानी माइंड एंड मसल कनेक्शन आपका अच्छा इंप्रूव हो रहा है Hmm. ठीक है आपका नर्वस सिस्टम आपका मोटर यूनिट सिस्टम ये सब कुछ चीज़ इंप्रूव हो रही है अब मुझे करना फिफ्टीन की स्पीड पर है लेकिन मेरा कोर्डिनेशन अभी पाँच की स्पीड पर भी चलने का नहीं है hmm. तो डेफिनेटली मुझे इंजरी भी होगी और इज़ दर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज जैसे कि थोड़ा योगा कर लिया थोड़ा जिम में वर्कआउट कर लिया या स्विमिंग कर लिया इज़ इट रिकमेंडेड फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स कि मैं दो दिन स्विमिंग करूँ या कुछ टू और थ्री डेज अ वीक जिम इज़ ऐसा कुछ

उतना अच्छा रहेगा जैसे जैसे मैंने आपकी इंटेंसिटी की बात करी वैसे फिर प्रोग्रेशन की बात करते हैं अगर मैं आज भी पाँच किलो के डंबल से या पाँच किलो के वेट से मैं स्टार्ट किया और मैं एक साल बाद भी उसी से कर रहा हूँ मेरी बॉडी की कैपेसिटी अब पंद्रह किलो उठाने की है बट स्टिल आई एम डूइंग विद फाइव के का डम्बल तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ अपनी स्ट्रेंथ को वो प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन बहुत ज़रूरी है आपको नोटिस करना प्रोग्रेशन के साथ लाइक

हमारे टाइम पे फिर भी मतलब एक आई वुड से हमारे बचपन में तब भी था कि हम बाहर इतना थक लेते थे छोटे मोटे खेलों में भागने में दौड़ने में हमारे ना खेल हमारे स्पोर्ट्स स्टार्ट भागने से हुआ करते थे बेसिकली तो इतना हम फिजिकल एक्टिव रहते थे आप ना आज सब कुछ चेंज हो गया है देर इज नो फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है प्ले स्टेशन या तो घर पे या पढ़ाई या अपने कुछ भी चल रहा है बाहर जाने तक का मतलब नहीं है और खाने के नाम पे ऑल जंक पिज्जा बर्गर मतलब उनकी फरमाइशें ही वहीं से शुरू होती है कोई नहीं कहता कि घर पे कोई दाल चावल बना लो या कुछ ये बना लो उनका मतलब आउटिंग का मतलब है सिर्फ जंक अब मैं बहुत उपस... हो गया क्योंकि आप जब आए थे तो मैं पिज्जा ही आई एम रियली सॉरी टू तो चाइल्ड ओपरसिटी बहुत बड़ी बहुत बड़ा एक आई वुड से चैलेंज भी है और बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए खास करके जब इंडिया शायद वर्ल्ड की सबसे यंग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज़ देर सम प्रिकीकॉशंस विच नीड टू वीट अगेन स्पेशली जब कोई फोर्टीन फिफ्टीन आ रहा है कि यू नो दे शुड नॉट बी डूइंग सर्टन काइंड ऑफ एक्सरसाइज या द जो ट्रेनर्स हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा केयर करना पड़े ऐसा कुछ है बिकॉज आई थिंक आजकल के 14, 15 ईयर रोल्स इज़ लाइक द अमाउंट ऑफ प्रेशर दे हैव इन टर्म्स ऑफ स्टडीज मतलब वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो हैं तो इज़ समथिंग यू रेकमेंड फॉर वुड व्यू सेट फोर्टी फिफ्टी रोल या जैसे हम जिम जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं वो भी वैसे ही करें सो बेसिकली सबसे पहले मैं कहूँगा देर इज नो एज लिमिट एंड देर इज़ नो लाइक जेंडर स्पेसिफिक कोई एक्सरसाइज नहीं होती है हाँ ये थैंक यू फॉर पुटिंग दैट फॉरवर्ड हाँ कोई जेंडर स्पेसिफिक कोई एक्सरसाइज नहीं है कोई एज लिमिट नहीं है वर्कआउट की वही मैंने कहा कि वैरायटी वेरिएशन सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज शुड बी गुड और उसके लिए हाउ डू यू सी योर गोइंग फॉरवर्ड ग्रेविटास का क्या विजन है अभी आई थिंक यू हैव टू वॉट इज़ जब आपने ग्रेविटा शुरू किया था तो आपने कहा था कि आपके सेवेंटीन एटीन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को आप इसमें लेके आए नेक्स्ट स्टेप क्या है अभी तो आप ऑन्ट्रप्रिनर बन चुके हो भले ही आप अपने आप को फिटनेस एक्सपर्ट कहो बट नाउ यू हैव मूव्ड इनटू दिस एज अ फिटनेस ऑन्ट्रप्रिनर आपके चैलेंजेस क्या है फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ आई नो दैट कोविड में काफ़ी सारे जिम मेरे सामने तो शट डाउन हो गए थे जी इट वॉज़ रियली वेरी वेरी बैड और आपने टू में वो जिम खोला टू थिंग्स वन द चैलेंजेस यू फेस्ड नंबर टू फिटनेस ऑन्ट्रप्रिनर जैसे हर ऑन्ट्रप्रिनर का चैलेंज होता है जितने भी स्टार्टअप होते हैं उनको फंडिंग का इशूज रहते हैं बहुत सारी चीजें रहते हैं डू यू फील देर इज समथिंग की फिटनेस खास करके जब लोगों को पता चल गया कि फिटनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ आर लाइफ इट्स अ वे ऑफ आर लाइफ नाउ राइट वॉट चैलेंजेस

Hmm. हम लोगों को फिट कर रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है इंडिया में फिट इंडिया फिट करो योगा डे हम स्पेशली उसको सेलिब्रेट करते हैं मोटिवेट हाँ. करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार हम कर तो काम रहे हैं फिटनेस वाला हेल्थ वाला जो अदर लाइक कोविड के टाइम की अगर मैं बात करू सारी इंडस्ट्रीज बंद थी hmm. हॉस्पिटालिटी जीरो रेस्टोरेंट्स सब कुछ लाइक टोटली शर्ट जीरो hmm. मतलब लोग जैसे अपने घर लोग बंद करके कर चले गए थे हेल्थ इंडस्ट्री मतलब मेडिकल की मैं बात करूं तो वहाँ पे लिटरली मैंने देखा है कि बोलियाँ लग रही थी हाँ करेक्ट ठीक है एडमिशन के लिए मेडिसिन के लिए ब्लैक में चल रहे हैं इंजेक्शन ब्लैक में चल रहे हैं देर वॉज नो चेक कोई कुछ नहीं दस सौ रुपये की चीज़ को दस हज़ार की ही बेच रहा है ना मैं घर वाले गिर भी रख जाएंगे खुद को लेकिन वो लेके आएंगे उसके लिए ठीक है राइट हम ऐसी एक इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं या ऐसी उसको इतने शिद्दत से लोगों को अवेयर कर रहे हैं हमें उस तरीके का कोई सपोर्ट नहीं है हमारी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री में आप सर्विस आप लग्जरी दे रहे हो यू आर नॉट प्रोवाइडिंग फिटनेस आप लग्जरी दे रहे हो तो आपको टैक्स देना है विच इज एटीन परसेंट स्लैब में आप आते हो तो आधा मनोबल तो यहीं टूट जाता है आधे लोगों का इफ आई एम आप एटीन टैक्स दे रहे हो फिर आप उसमें अपना इनकम टैक्स दे रहे हो और आपने जो अपनी पूंजी लगा रखी है वो कहाँ से क्या लगी उस पर जो इंटरेस्ट आप बैंक को दे रहे हो तो वो सब चीज़ें ना कहीं ना कहीं रोकती हैं लोगों को हुँ. करने के लिए मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ या मेरे जैसे और लोग बहुत लोग करना चाहते हैं फिर वो कैलकुलेशन पे आते हैं कर, सपोज करो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ अगर मैं जॉब कर रहा था मैं एक हैंडसम अमाउंट ले रहा हूँ अपना रोजमर्रा की जिंदगी और मेरे जरूरतें चल रही हैं हर कोई इंसान लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है हर कोई बड़ा करना चाहता है हर कोई ख्वाहिश तो कम से कम होती है लेकिन उसके लिए प्लान क्या है करने का उस प्लान को करने के एग्जीक्यूशन क्या रहेगा ये सब चैलेंजेस आते हैं इनिशियल फेज में मेरे साथ चैलेंजेस आए मैंने सत्रह अठारह साल काम करा और ब्रांड्स को स्टैब्लिश किया चीजें सीखी नेटवर्किंग अपनी स्ट्रॉन्ग करी नेटवर्क बना लोग जाने लोगों ने सपोर्ट भी किया फाइनेंशियली नहीं किया तो एटलीस्ट किसी का गाइडेंस मुझे मिला ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए ये अच्छा है ये बुरा है उन सब चीजों का अगर इवेल्यूएट करो विद फाइनेस तो आप उससे ज्यादा बचा लेते हो इफ आई एम बाइंग समथिंग एक्स अमाउंट में कोई चीज और वाई वही चीज मुझे उससे सस्ते में मिल रही है बिकॉज ऑफ माई नेटवर्क एंड माई कनेक्शन तो वही मेरा एक चीज मैंने वही अचीव ना अठारह बीस साल में अपने नहीं ओपन इन ट्वेंटी ट्वेंटी जस्ट बिफोर कोविड एक डेढ़ महीना जिम चला सडनली एवरीथिंग वाज शट ऑब्वियसली अनसर्टेन था सबके लिए नॉट फॉर मी ओनली एंटायर इंडस्ट्री वाज लाइक शॉक क्या करना है मेरे लिए ये था कि मेरे लिए शुरुआत थी वो मतलब एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर आई वुड से आई कैन इमेजिनस वो मेरी शुरुआत थी मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक चीज और आप जब इतने बड़े स्केल पे सोचते हो करते हो काम आप लोन्स भी लेते हो सब चीज़ें करके ये आप अच्छा सोच के करते हो ना कि कल कोई सब चीज़ें होंगी चलेंगी प्रोसेस में मुझे आता है काम करना हुँ. तो सब चीज़ें रीपे हो जाएंगी और स्मूथली हम चीज़ों को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी आ गई मेरी टीम की मेरे स्टाफ की आई नेवर वर्क लाइक एज अ

सामने खड़े होकर करा सकते हैं मैंने मैं आपको बताऊंगा आप कराओगे आप एग्जीक्यूट करोगे आई विल नॉट चार्ज एनी थिंग मतलब चार्जेज मैं कुछ कमीशन नहीं लूँगा उसमें से हाँ। जो हमारे जिम के मेम्बर्स हैं बहुत मिनिमम प्राइस से कराओ मैं कह रहा हूँ जब हंड्रेड रुपीज़ पर सेशन कराओ एक तो वो एक कनेक्टेड एक कनेक्शन रहेगा आपसे आज मेरी दुकान बंद हुई और छः महीने तक मेरा हाई हेलो बंद है सबसे तो वो बोल कोई होगा खत्म हाँ। हो गया आप कनेक्टेड रहोगे पहली चीज़ ठीक है और आप कुछ दे रहे हो उनको और जो अमाउंट उनसे आप 200 300 400 सौ चार रुपए चार्ज कर रहे हो और दैट सॉर्ट ऑफ वी आर केटरिंग उन जैसा वो फर्क नहीं पड़ता आपकी अगर आप वॉल्यूम पे कर रहे हो दस लोगों को ट्रेन कर रहे हो पांच लोगों को मतलब कहते हैं ना खाली से बेगार भली एक बात बड़े बताते हैं तो एक तरह के कि बेगार समझ लो स्टार्ट करो सोचो शुरू में पंद्रह दिन बीस दिन आपने फ्री में कराया आपको भी नई चीजें मिली करने के लिए नई चीज सीखे ऑनलाइन जैसी चीज आ गई सामने कभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते थे अरे <laughs> क्लास के बच्चे लोग भी ऑनलाइन ऑनलाइन स्कूल हाँ। चल रहे हैं तो सब चीजें सिखाई सिखा सिखा so, अपने, अपने the yes. आपने कुछ, नहीं कुछ रखा नहीं रखा। हैं। आपका है ये आपका है आप अपना जो लाइवलीहुड है अपना वैसे अब लोग बात रिपीट करूंगा बहुत ज्यादा

एज अ फिटनेस ऑनटरप्रिनर का अगर कोई आज स्टार्ट करना चाहता है जिम वॉट आर द थिंग्स द शुड डू वॉट आर द थिंग्स द शुड कम्पलीटली अवॉइड सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो क्या आप किस मॉडल में मतलब इफ टॉक अबाउट जिम्स जिम लाइक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जिम लाइक लग्जरी जिम्स स्टैंडर्ड जिम्स कुछ लोग स्टूडियो फिटनेस स्टूडियोज लोग खोल के बैठे हुए हैं हुँ. वो रन कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं पर्सनल ट्रेनिंग क्लासेस करा रहे हैं तो मॉडल आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है हुँ. उसका इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट उसमें आ रहा है और आप उस इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम पे आप निकाल के और उसको बड़ा कर सकते हो वो बहुत ज़रूरी है करने के लिए लोग बिना प्लानिंग के आते हैं इसमें कि यार इसमें पैसे बड़े आते हैं और पैसे आने के चक्कर में लगा भी बहुत देते हैं लेकिन उसका एग्जिट प्लान किसी के पास नहीं है अगर मैं सोचू मैं एक छोटा स्टूडियो फिटनेस स्टूडियो चला बना के एक इसी शहर में जहाँ में मैंने मैं पंद्रह साल अठारह साल काम करा मैं एक फिटनेस स्टूडियो बहुत अच्छे से रन कर सकता था लेकिन माय आइडिया वाज डिफरेंट माई विजन वॉज डिफरेंट क्या डिफरेंस है फिटनेस स्टूडियो और जिम में

अगर पैसे फंड्स हैं भी पहले आपको स्टडी करना चाहिए और चीजों को और आपको उस स्टडी करने के बाद बहुत जरूरी है इसमें इस जो, जो है।, हाँ, आसान है आसान नहीं मतलब आसान तब है जब आपकी एक्सपर्टीज उसमें है ठीक हाँ। है दोनों चीज़ें है ना फंडिंग में खुद का फंडिंग नहीं फैमिली का फंडिंग नहीं जैसे दूसरे स्टार्टअप्स में फंडिंग आते हैं काफी बड़ी बड़ी फंडिंग्स होते हैं ओके okay. बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट uh, मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि सोशल मीडिया के आने के बाद यू you नो know, आप इंस्टाग्राम के रील खोलो फेसबुक में देखो यूट्यूब में देखो आजकल तो मैं लिंकडिन में भी देखने लग गया हूँ यू नो दैट लोग अपने एक्सरसाइज रूटीन बताते हैं ये करते हैं सो दर इज़ डेफिनेटली ए पॉजिटिव साइड टू इट कि मैं देखता हूँ मेरी मेरा कोई फ्रेंड है वो एक्सरसाइज कर रहा है ये कर रहा है तो एक मोटिवेशन है और कई कई मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे फॉल्स नैरेटिव भी उसमें जा रहे हैं कि सो प्लस एंड माइनस दोनों है दोनों है पॉजिटिव भी है हाँ दोनों ही चीजें हैं हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको क्या थ्रू सोशल मीडिया इंक्वायरीज आते हैं काफी सारे आते हैं अच्छा काफ़ी सारे थ्रे सोशल मीडिया आते हैं सोशल मीडिया इंक्वायरीज का सिर्फ हमारा एजेंडा ये नहीं है कि व्हाट वी आर ऑफरिंग हम डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं हम वो हम ऑफर हम सर्विसेज क्या दे रहे हैं तो मैंने वही कहा ना जब तक आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हो आपको आज जाके देखोगे नहीं बहुत सो लोग कॉल पर पता करते हैं फ़ोन करके कि कितनी मेम्बरशिप का क्या चार्ज है तो उनके दिमाग में जिम मतलब जिम ही है है ना रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट का मतलब होता है अच्छा बुरा खाना एक्सपीरियंस ओवरऑल उसी पे आप रेट करते हो उसको Okay then, uh, so I think we were able to cover a lot of topics. Food, nutrition, exercise, your personal stories. Future plans, you you want to continue growing Gravitas. Sure. Is that what you want to do? Yes. More, more gyms? Delhi or Delhi beyond? Delhi or Delhi beyond. no business plans ready? Everything is ready. Haan. So when do we see you in Bombay, in my city? <laughs> time time, for sure. जोैब दिस हैज़ बीन वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी खास करके आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस uh, है पर्सनल स्टोरी है इट्स वेरी वेरी मोटिवेटिंग और जैसे मैंने mm -hmm. शुरुआत में कहा कि इमेजिनेशन इज़ इट्स ओन फॉर्म ऑफ करेज और हम um, जो इमेजिन करते हैं उसमें अगर बिलीव करते हैं तो हम हासिल कर सकते हैं सो थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग ओवर यू आर अ पार्ट ऑफ अ वेरी स्पेशल ग्रुप ऑफ Uh, guests we've had in our Delhi uh, podcast series I hope fitness ka conversation continue hota rahe and uh, everybody becomes fit uh, not necessarily ki sab gravitas hai but look. <laughs> in Hell. future also I would like to participate Manlab, jo bhi aage karte hai, I would love to do that thank you thank you so much zoe that means a lot to me um, so that's it uh, from our end I think uh, this has been a personally enriching experience for me. Uh, podcasting here in Delhi, podcasting with uh, wonderful guests. And we'll be soon back in Delhi uh, to meet another set of interesting storytellers. Um, this was Zuaib uh, and his story. And I'm sure there are many such Zuaibs out there uh, with such inspiring and motivating stories. One of the most important things I believe is uh, for us to be physically fit, we have to be mentally fit. We have to believe in ourselves. We have to keep the faith. So, um, until next time, thank you and uh, stay safe. Thank you for listening to the Between Us podcast. This episode was recorded at Ferris Wheel Studio in Gurgaon. Our sound engineers are Rohit Das and Mainak Chakraborty, and our producers are Santosh Kumar and Arnav Dogra. The video was processed by Viewfinder's Edit. Between Us uploads episodes weekly, and we'll see you next time.